चिया सीड्स क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इस पर तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से बातें की थी। अब बात करते हैं कि क्या चिया सीड से सच में वजन घटता है, अगर हाँ तो कैसे, क्योंकि कई लोग इंटरनेट पर वीडियोस देखकर बिना सोचे समझे धड़ल्ले से चिया सीड्स जैसी चीजों को खाना शुरू कर देते हैं, जो कि सेहत पर आगे चलकर भारी पड़ सकता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि चिया सीड्स कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनसे बॉडी डिटॉक्स तो होती ही है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। लेकिन वजन घटाने के लिए इन्हें खाने से क्या होता है और क्या नहीं, इससे जानना भी बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन डिजिटल। इंटरनेट पर चिया सीड्स पर हजारों वीडियोस हैं। इन वीडियोस में ये दावा किया जा रहा है कि चिया सीड्स खाने से तेजी से आपका वजन कम हो जाएगा। कोई गर्म पानी में चिया सीड्स डालकर पी रहा है तो कोई चिया की पुडिंग बनाकर खा रहा है। तो चलिए न्यूट्रिशनिस्ट स्मृति से जानते हैं कि क्या सच में चिया सीड्स से वजन को कम किया जा सकता है। चिया सीड्स खाने से वेट लॉस होता है या नहीं, और क्या ये एक मिथ है या फिर एक रियलिटी है? देखिए, वेट लॉस के लिए आप किसी एक न्यूट्रिएंट, एक मेडिसिन, एक पिल या किसी भी एक फूड पे डिपेंडेंट नहीं होते। आपका वेट लॉस डिपेंड करता है आपका, पहले तो आपका लाइफस्टाइल, आपका फूड पैटर्न, आपका अप्रोच फूड को लेके, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, और आपके जो कुछ जो लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, जो आप जानते हैं कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है फिर भी आप उसको ज़्यादा खाते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंबाइन होके ये बताते हैं कि हाँ, ये हेल्थ, ये आपके वेट लॉस के लिए हेल्थ बेनिफिट देने वाला है और तब आपका वेट लॉस होगा। तो बस एक कुछ ऐसा कि आपका शेड्यूल वही है, खाने का पैटर्न भी वही है और बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आप चिया सीड्स खा रहे हैं क्योंकि ये हेल्दी है और ऐसा सोचते हैं कि ये वेट लॉस हो जाएगा, तो ये बहुत ही मुश्किल है और मैं कह सकती हूँ कि ये मुमकिन भी नहीं है। तो सुना आपने स्मृति ने क्या कहा, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ चिया सीड से आपका वजन कम हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। अकेले चिया सीड्स का सेवन करने से वजन घटाने में कोई खास मदद नहीं मिलती है, इसके लिए एक बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज ही काम आती है। साथ ही आप इन्हें किस चीज के साथ मिलाकर खा रहे हैं वो पहलू भी जानना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इसमें चीनी, मिल्क चॉकलेट और अन्य शुगर वाले फूड्स मिलाकर खाने से वजन कम होने की जगह बढ़ सकता है। लेकिन स्मृति ये बताती हैं कि चिया सीड्स आपके वेट लॉस जर्नी में आपकी मदद जरूर कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी एक खास तरीका है। ऑलरेडी अगर आपका वेट ज़्यादा है और या आप ओबीज हैं या ओवरवेट हैं, तो सबसे पहले आपको एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से आपका डाइट प्लान बनाना है। उसमें वो इनकॉर्पोरेट करेंगे कि आपको किस टाइम पे चिया सीड्स इंक्लूड करना है और उसका सही तरीका क्या है। जैसे कि आपको पुडिंग में डाल के आप पुडिंग बना सकते हैं अपने हेल्दी पुडिंग, कैसे बनाना है उसकी रेसिपीज़ होती हैं वो आप अलग अलग, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं वो आप अपने डाइटिशियन से पूछ सकते हैं। और कुछ जो सबसे इजी सा मेथड है जो आप चिया सीड्स यूज़ करते हैं वो है अपने योगर्ट या दही या सैलड में मिक्स करना। आप चिया सीड्स को सोक कर दीजिए, या तो ओवर नाइट सोक करें या एटलीस्ट 2-3 आवर्स सोक कर दें, उसके बाद जो आपकी फेवरेट सैलड जो आपने प्लेटर तैयार किया है उसके ऊपर उस सोप चिया सीड्स को स्प्रिंकल कर दें और आप वो उसको आराम से खा सकते हैं। वो आपको फुलनेस भी प्रोवाइड करेगा और सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा, तब जाकर आप ये कह सकते हैं कि हाँ, वो वेट लॉस के लिए आपको हेल्प कर सकता है। पर ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, कोई वर्कआउट आप नहीं करते, किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जहाँ पे आपको बहुत बस सिटिंग जॉब ही रहती है और या सिटिंग आप रहते हैं, हल्का फुल्का घूमना मूवमेंट रहता है और खाने पे भी आपका कुछ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं और अगर एक चम्मच चिया सीड्स ले रहे हैं और वेट लॉस हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अपने पैटर्न को सही करिए, एक लाइफस्टाइल जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए और उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से, और उसके बाद आप इस चिया सीड्स को इंक्लूड करें, ये तब आपको ज़्यादा हेल्प बेनिफिट्स देगा। तो राइट टाइम और राइट मेथड, राइट अमाउंट एंड द राइट वे ऑफ फूड, ये सारे फैक्टर्स होते हैं
तब जाके आप कह सकते हैं कि यस, चिया सीड्स जो है वो वेट लॉस में हेल्प करता है। चिया सीड्स वजन कम करने में मददगार है या नहीं, ये तो हमने जान लिया। अब स्मृति से ये भी जान लेते हैं कि चिया सीड्स खाने का सही समय क्या है और सही तरीका क्या है। चिया सीड्स खाने की सही टाइमिंग क्या है, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इस पे लोगों ने अपने अपने बहुत सारे रिसर्च निकाली है कि इस टाइम पे खाना चाहिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, इस समय पे ना खाएं, कैसे खाएं। तो देखिए, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है कि आप इसी समय पे इसको आप खा सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। तरीका सही यही है कि आपकी बॉडी इसको कैसे ले रही है। अगर आपको लगता है कि आपने सुबह सुबह उठते ही मिल्क में या अपने कोई फ्रूट के साथ कंबाइन करके या जैसे भी आप लेते हैं, अगर आपको उसको खाने के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एकदम उठते ही और रॉ आपने एक चम्मच लिया तो ऐसा पाया गया है कि आपको जो आपके जो गट लाइनिंग है, जो जहाँ फूड जाके डाइजेस्ट होता है और जो गट लाइन होता है वहाँ पे थोड़ा इरिटेशन रहता है तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा और डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम इसको किसी के साथ मिक्स करें। इसीलिए मोस्टली चिया सीड्स को हम स्मूदी में डाल के खाते हैं या फिर आप अपना ओट्स बोल जो तैयार करते हैं उस तरह की चीज़ें, तो ओट्स के साथ अगर आप खाते हैं तो उसके बेनिफिट्स डबल हो जाते हैं, आपको फाइबर और ज़्यादा मिलेगा और एक कंप्लीट मील की तरह होगा। तो आपका जो सेटाइटी लेवल है, आपको लगेगा कि यस, मैंने एक मील खाया है और बहुत देर तक आपको फुलनेस रहेगा। तो एक जो टाइमिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने मील को डिसाइड करें, आपको कौन सा खाना खाना है, कौन सा ब्रेकफास्ट करना है, लंच में करना है, डिनर में करना है, सैलड के साथ खाना है, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं खा सकते हैं। लेकिन अगर बस उठते ही और रॉ फॉर्म में सीधा 1 टीस्पून लिया तो वहाँ पे वो इरिटेंट्स आपको इरिटेंट हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो चिया सीड्स को ओवरनाइट सोक करके खाते हैं, तो कई चिया सीड्स खाने के कुछ घंटे पहले उसे पानी में सोक कर देते हैं। चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाने से क्या होता है? चिया सीड्स जितना हाइड्रेट होगा, अंदर वाटर का जो वाटर है अंदर, जितना सीड्स के अंदर जाएगा वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ऑफकोर्स देखिए, वाटर अगर सीड्स के अंदर है उसके बाद आप उसको कंज्यूम करते हैं तो फुलनेस भी आपको ज़्यादा लगेगा, तब आपको वो जो क्वांटिटी 1 टेबल स्पून की है या 2 टेबल स्पून की है वो क्वांटिटी लेने के बाद आपको इसलिए फुलनेस भी ज़्यादा लगता है। तो तरीका राइट टाइम जो है, एक कोई राइट टाइम ऐसा कुछ नहीं है, राइट टाइम आप बनाते हैं आपको कैसे खाना है, राइट मेथड भी आप बनाते हैं कि आपको किस तरह से खाना है, आपका फूड पैटर्न क्या है, आपको कब वो समय मिलता है जब आप इंजॉय करके खा सकते हैं। और इसको समझने और जानने के लिए और अच्छे से फॉलो करने के लिए आपको किसी अच्छे सर्टिफाइड डाइटिशियन से ही बात करनी चाहिए या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि इस बात को समझते हैं। सिंपल डॉक्टर गूगल या फिर किसी और से पूछ कर वो चीज़ सेम अप्लाई कर लेना ये सजेस्टेबल नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप किसी भी अच्छे डाइटिशियन जो कि सर्टिफाइड डाइटिशियन है उनसे बात करें या फिर अपने डॉक्टर या फिर जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे बात करें। तो सुना आपने, चिया सीड्स किस तरह से आपके लिए मददगार है। चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। चिया सीड्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।